ले संतोष, पहुंच गए हम दमन। संतोष आराम से बैठी है ना? हाँ आराम से बैठी हूँ। वैसे हवाई जहाज भी बड़ी कमाल की चीज है, फुर से उड़ के इतनी जल्दी हम कितनी दूर आ जाते हैं। संतोष पहली बार बैठा हवाई जहाज में, जरा चेक रहा है। संतोष ये देखना समंदर की लहरें। नए जोड़ों के लिए ये जगह बड़ी पसंदीदा है। देख रही हो हमारा रिसॉर्ट आ गया। हाँ अभी रुको। आइए बाबा संभल के। हाँ अरे क्या करे कैसे मिलेगा अंदर घुस गया। अंकल को लेते। अंकल अंकल सुनिए ना। बाबा साहब बच्चे बुला रहे आपको। माने अंकल मैं उनसे नहीं आपसे बात कर रहा हूँ। उससे अंकल मेरा बेबलेट अंदर घुस गया, प्लीज निकाल दीजिए ना। पर अंकल आप तो इतने लंबे हो ना, आप तो निकाल सकते हो ना। अंकल यहाँ पर है, यहाँ पर। सूरज बेटा वो थारे को अंकल बोल रहा है, जवान तो मैं हूँ। अंकल जी बच्चे इतने प्यार से बेबलेट मांग रहे, दे दीजिए ना। देखो तुम लोग पहले मुझे भैया बोलो तब निकालूंगा। ओके भैया। हाँ भैया निकालता हूँ बेटा। ये लो। थैंक यू अंकल। होय बढ़ गए खून चले। आंटी जी हाँ बाबा आया। मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैडम जी, वो सूरज राठे के नाम पे बुकिंग है। ओके लेट मी चेक। ये लीजिए सर 303 and 305। 303 और 305 दो? नहीं नहीं मैडम, तीन कमरे थे, हमने तीन तीन कमरों की बुकिंग करवाई है। आप ध्यान से देखिए। ओके लेट मी चेक। सॉरी सर आपके नाम से सिर्फ दो ही कमरे बुक हैं। पर अंकुर जी ने तो तीन कमरों की बुकिंग करवाई थी बाबा साहब। बेटा अंकुर जी की आप ही से बुकिंग हुई थी, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई होगी। ठीक है दो तो दो सही। नहीं नहीं बाबा साहब दो में कैसे चलेगा, आप देखिए ना। सॉरी सर इस वक्त पूरा होटल फुल है। छोड़िए ना सूरज जी, हम दो रूम में ही एडजस्ट हो जाते हैं ना। बाबू छवि और मैं एक रूम में एडजस्ट हो जाते हैं और आप छोटू और बाबा साहब दूसरे रूम में रह लीजिए। ऐसे कैसे सुना जी? अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना सूरज जी, और क्या क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, यू आर वेरी लकी। अभी अभी एक रूम बुकिंग कैंसिल हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो रूम दे सकती हूँ। हाँ हाँ दीजिए ना। ओके धन्यवाद। आइए बाबा साहब। नहीं मेरा मतलब है सूरज जी, वो कमरा हमारे ये जो दो रूम्स है उसके पास में ही है क्या? सॉरी मैम ये रूम दूसरी तरफ है, पर ये एक ही रूम आपको मिल सकता है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नहीं, वो कर लेंगे हम।
थैंक यू, आ जा पापा। अच्छा अच्छा संतोष चल। क्या सोच रहे संदेश जी? संदेश जी, बहुत दिनों बाद साथ में रहने का मौका मिला है, क्यों ना शादी की यादें ताजा कर ले। मैं सोच रहा था कि हम ऐसे रहते हैं जैसे हमारी अभी भी शादी हुई हो, क्या ख्याल है? बहुत ही गलत ख्याल है। अंकल जी के साथ शादी की नई नई यादें ताजा करना कुछ जमा नहीं। आज आप मुझसे बचने वाले नहीं हैं। आपको नहीं लगता सदा जी कि आजकल आप भागने में कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है?
सूरज में सांझ पिया जी, हमारे सपनों की तू परवाज पिया जी, हारो मारो मिलने सो लागे रे साथ जैसो के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।